हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाते हैं कुछ नया बिल्कुल। और मैंने आज बनाया है पनीर, शाही पनीर, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी रहता है। तो इसको मैंने कैसे बनाया है, तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, और जो मेरे चैनल पे न्यू हो चैनल को देना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो इसके लिए लिए मैंने दो ऑनियन लिए, साथ में दो टमाटो, हरी मिर्च थोड़ा सा लिया मैंने, गार्लिक, एक अदरक का टुकड़ा। तो सबको मैंने छिलका निकाल कर रख लिया है। तो इधर गैस पे चढ़ा दिया मैंने फ्राई पैन, या पैन कुछ भी कढ़ाई डाल सकते हैं। तो इसमें एक चम्मच डाल दिया मैंने ऑयल का। तो पहले इसमें मैं डाल दूँगी खड़े मसाले। तो मैंने इसमें छोटे ग्रीन वाली इलायची, और साथ में बड़ी वाली जो होती है काली वाली वो, एक दालचीनी का टुकड़ा। इसमें आप तेज पत्ता वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो इससे जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको मैंने थोड़ा सा इसको गर्म तेल में डाल लिया था ताकि इसका फ्लेवर जो अच्छे से आ जाए। उसके बाद ऐड कर दिया मैंने गार्लिक, 8 से 10 कलियाँ लिए हैं। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने प्याज को भी रफली कट कर लिया था, तो 2 प्याज डाले हैं। साथ में अदरक, अदरक को भी थोड़ा छोटा कट कर लिया था मैंने। तो इसको 1-2 मिनट के लिए पहले अच्छे से मैं इसको पकाऊंगी। हमें बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है, खाली 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। उतना ही हमें पकाना है, और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटो। तो टमाटो जो है मैंने एकदम रेड कलर के लिए हैं, ताकि जो इसका कलर है बहुत ही अच्छा आए। तो उसको मैंने ऐड कर दिया था। अब इसको सॉफ्ट होने तक मैं पकाऊंगी। और तो इसको मैं हिलाते हुए अच्छे से पहले मिक्स कर लिया। उसके बाद मैं इसमें इसको ढककर छोड़ दूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। ताकि जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसको ठंडा करके पीस लूंगी। तो अभी मैं चेक कर रही हूँ 2 मिनट के बाद, तो अच्छे से जो है टमाटर वो सॉफ्ट हो गए हैं, और खुशबू भी अच्छे से आने लगी है जो भी इसमें मसाले डाले। तो उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था। तो इसको 15-10 मिनट के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। तो इधर लिया मैंने पनीर, 250 ग्राम पनीर होगा। तो जो घर का बना हुआ पनीर है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो मैंने इसको घर में ही बनाया है। तो इसको अब मैं पहले छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। तो आप इसमें छोटे बड़े टुकड़े कुछ भी बना सकते हैं। तो सबको लिया मैंने कट। तो उधर गैस पे मैंने रख दिया है फ्राई पैन। तो 1 चम्मच मैंने डाला इसमें ऑयल का। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा कर लूँगी अच्छे से फ्राई, ताकि इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर लोगे तो ऐसे इसको कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने निकाल लिया एक प्लेट में, और उसी ऑयल में अब मैं फ्राई कर लूँगी। कुछ मैंने लिए है काजू, तो काजू को भी 1-2 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी, थोड़ा सा क्रंची हो जाए ताकि अच्छे से पीस जाएंगे। उसके बाद ये तो इसका भी मुझे पेस्ट ही बनाना है। तो काजू भी अच्छे से हो गए फ्राई, तो उसको भी मैंने निकाल लिया था एक प्लेट में। तो उसी में डाल दिया है मैंने टमाटो और प्याज जिसमें मैंने फ्राई किए थे। और इधर लिया मैंने दूध, तो 1 गिलास दूध का होगा, जो आप 2 कटोरी बोल सकते हैं। तो इसको मैंने हल्का सा इसको गर्म कर लिया था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है। तो उसमें मैं ऐड करके रख दूँगी ये पनीर के टुकड़े, ताकि जो है वो पनीर अच्छे से सॉफ्ट रहे। तो उधर उसी फ्राई पैन पर डाल दिया है मैंने 1 चम्मच ऑयल का। तो जब अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद इसमें मैं जीरा 1 चम्मच डाल दिया था। साथ में ये हल्दी पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। और जीरा और धनिया का पाउडर वो भी डाल दिया था 1 चम्मच। तो
लेबर के लिए मैंने इसमें डाल दिया है ताकि जब इसमें अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट होंगे तो अच्छी सी खुशबू भी आएगी इसकी। तो उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था जो पेस्ट बनाया है, टमाटो काजू वगैरह जो भी मैंने पहले फ्राई किए थे उसको डाल दिया है। तो थोड़ा सा जो रह गया था ग्राइंडर में उसको भी मैंने 2 चम्मच पानी के डालकर उसको भी डाल दिया है। तो सबको कर लूँगी मिक्स। तो इसको भी मैंने मीडियम आंच पे ही 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाया था, जब तक इसका जो ऑयल है अलग नहीं हो जाता उतनी देर तक हमें इसको पकाना है। तो मैंने मिक्स करके ऊपर से मैंने ढक्कन लगा दिया था और 2 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ तो इसका ऑयल जो है वो अलग होने लगा है और खुशबू भी अच्छी आने लग गई है, मसाला जो अच्छे से तैयार हो गया है। तो उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसमें जो मैंने दूध में जो मैंने फ्रेश वाली मलाई ली है 2 चम्मच। तो आप जो दूध उबालते हो घर में उसकी मलाई ले सकते हैं या बाज़ार से भी ला सकते हैं फ्रेश मलाई। तो 2 चम्मच डाले थे ताकि जो इसका टेस्ट है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने उसको मिक्स कर दिया था। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसमें पनीर जो मैंने दूध में भिगो कर रखा है ताकि वो सॉफ्ट रहे। तो इसमें मैं धीरे धीरे मिक्स कर दूंगी और साथ में इसको हिलाती रहूंगी। तो अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला है और नमक जो है मैं सबसे लास्ट में डालूंगी। तो इसको मीडियम आंच में और 3 से 4 मिनट के लिए हम पकाएंगे। इसमें अच्छे से बॉईल आने लग गया है तो उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल सकते हो और साथ में मैंने 1 चम्मच डाला है चीनी का। तो अगर आप चीनी खाना नहीं पसंद करते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चीनी डालोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अच्छे से मैंने 4 से 5 मिनट पकाने के बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको कर रही हूँ मैं मिक्स। और लास्ट में मैं डाल दूँगी हरा धनिया। तो हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पनीर बन के हो गया है तैयार। तो मैंने शाही पनीर बनाया है तो अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, तो आप बार बार बनाना चाहोगे। तो अब इसको मैंने ऐड कर दिया है सर्विंग बाउल में। तो हमारा पनीर बन के हो गया है तैयार। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो पनीर बन के तैयार है। तो आप भी घर में ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बनाया है तो बहुत ही अच्छा बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।